मीट, जिसे आम जुबान में गोश्त भी बोलते हैं, जो कि हर मुसलमान की खाने में पहली पसंद भी है। खास तौर पर रमजान करीम के मुबारक महीने में तो काफी तादाद में लोगों को ये रहता है कि वो इफ्तारी में गोश्त जरूर खाएं। लेकिन जहां गोश्त लोगों की पसंद है, वहीं दूसरी तरफ इसे खरीदना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। सरकार की तरफ से यूटी में बिना हड्डी के 1 किलो गोश्त का दाम 535 रुपए तय किया गया था, लेकिन फिर भी वादी में कई जगहों पर 1 किलो गोश्त का दाम 700 रुपए है तो कई जगहों पर 750 रुपए। रमजान करीम और ईद के पास होने में दुकानदार अच्छे से जानते हैं कि एक गरीब आदमी भी जो कि मुसलमान होगा वो जरूर ही गोश्त खरीदेगा। इसी के चलते उन्होंने फायदा कमाने के लिए दामों को बढ़ा दिया है। माह रमजान का और ईद के पास होने का फायदा दुकानदार तो दामों को बढ़ाकर अच्छे से उठा रहे हैं, लेकिन इससे पिस रहा है एक आम आदमी जो कि अपनी पसंद का खाना तो चाहता है लेकिन उसकी जेब उसका उतना साथ नहीं देती है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को ये उम्मीद है कि वो इस मामले में जांच करें और जो भी दुकानदार सरकार के तय किए गए दामों को बढ़ाकर गोश्त बेच रहा है और सरकार के कायदों के खिलाफ जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।